मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओमालोक के कार्यक्रम तंत्र मंत्र वायंत्र में। वह हम आपके लिए इस समय लेकर चल रहे हैं बहुत अच्छी श्रृंखला जिसका नाम है कि किस देवी किस देवता की पूजा से आपको क्या फल मिलेगा और आपको किसको पूजना चाहिए जिससे आपको वो फल प्राप्त हो जो आप चाहते हैं। तो मित्रों आपको हम बताते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन का ये ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर देंगे, लाल से रंग से लिखा हुआ है तो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। उसके ऑन होने के बाद ये ऑप्शन आएगा, ये बेल आइकॉन है इस पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मित्रों तो अब मैं आपको बताऊंगा मित्रों किस देवी की और किस देवता की पूजा से आपको क्या फल प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं मित्रों, हमारे समाज में मुकदमे और कोर्ट कचहरी का कारण भी बहुत होता है, हमारे बहुत से साथी इसमें फंसे हुए हैं। तो यदि आप मुकदमे में जीत चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आए तो आपको माँ बगुला माता की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको मुकदमे में जीत प्राप्त होगी। एक अन्य उपाय कष्ट निवारण के लिए, हमारे जीवन में बहुत से दुख होते हैं बहुत से कष्ट होते हैं, आप अपने कष्टों के निवारण के लिए कामात्मिक दुर्गा देवी की पूजा करें। कामात्मिक दुर्गा से मेरा अभिप्राय है कि माँ दुर्गा उनकी आप पूजा करें और आपको उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तीसरा व अंतिम उपाय मित्रों इस श्रेणी का वो ये है, ये उपाय हमारी माताओं बहनों के लिए, जो हमारी माताएं बहनें अपने सतीत्व को ये जानते हैं, मेरे सतीत्व को इस संसार में लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखें और वो अपने पति के लिए बड़े पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो उनको सती सावित्री और सती अनुसुईया की पूजा करनी चाहिए, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और आपका सतीत्व भी उन्हीं दोनों देवियों की श्रेणी में लिखा जाएगा जैसे कि सती अनुसुईया और सती सावित्री थी, वैसे ही आपका नाम भी इसी प्रकार से अमर हो जाएगा। तो आपको कैसे लगे हमारे उपाय आप अनुसूचित करिएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र व क्वेश्चन सुनिए कई कहानियां। इस सभा के लिए इतना ही, मित्रों अन्य सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा, तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।